में राज जो एक बड़े बाप का बेटा है, मिनिस्टर का बेटा है, और ये फिल्म बेसिकली यूथ बेस्ड फिल्म है जो आजकल के यंगस्टर्स जो जल्दी हार मान जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, और विद इन 6 मंथ 1 ईयर वो लोग सुसाइड करने का फील करते हैं या अपने आप को ख़त्म करने का फील करते हैं। तो उनके लिए कि हौसला मत हारो और ज़िंदगी में लड़ो और मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हो। अगर जल्दी हार मान जाओगे तो ज़िंदगी में काबिल नहीं बन पाओगे और बड़े नहीं बन पाओगे। तो मेरे हिसाब से यूथ बेस्ड फिल्म है और उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए फिल्म है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत और अपने कर्म से आगे बढ़ सकते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो बस दो ही लाइन कहना चाहूँगा, रास्ते बड़े बुझ जाते हैं बुजदिलों के लिए, रास्ते बड़े बच जाते हैं बुजदिलों के लिए, चले जावा तो जल उठे तूफानों में दिए। बेसिकली कहानी जो है बहुत कभी अच्छी कहानी है, जिस तरह से मुंबई शहर में आके लोग नौजवान जूझते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, कैसे कैसे फंस जाते हैं, कभी कभी उनके सीधे कामों में भी बहुत बार फंस जाते हैं। तो ये फिल्म उस प्रॉब्लम से डील करती है कि यंगस्टर्स किस तरह मुंबई में अपने पाप पूरे करने के लिए, अपने ज़िंदगी में कुछ बदलने के लिए कभी कभी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो इस सिचुएशन से डील करती है ऋषि ने बहुत अच्छा करेक्ट किया, बहुत नेचुरल रियलिस्टिक फिल्म बनाई है। जब हम लोग शॉर्ट लेते थे उस वक्त भी इसमें खास ख्याल रखा गया, बहुत रियलिस्टिक, और दीपक ने भी बहुत अच्छा काम किया, और प्रोड्यूसर भी आज की तारीख में फिल्म बनाना इतने यंग लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत पीढ़ी की रहती है।